टाइम हो सर्दियों का और ये लाल लाल गाजर पाक की प्लेट गर्मा गर्म चाय के साथ आपकी टेबल पर रखी हो, आनंद ही आ जाता है। आइए आज आपको लेके चलते हैं गाजर पाक बनाने के एक सुनहरे सफर पे। शुरुआत करते हैं खरीदारी से। सबसे पहले पहुंच जाते हैं दूध लेने के लिए। भाई जी ने बताया घी तो अवेलेबल है पर दूध के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूछते हैं जी कब तक, बोला शाम को ले जाना। चलो कोई बात नहीं, मंडी में निकल लेते हैं गाजर लेने के लिए। और गाजरों को ही तो पंख लगाने हैं, इसलिए लाल लाल गाजरें ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली हों ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हों, बीच बीच का साइज छांट लेना है। हम लोगों ने छांट लिया बीच बीच का साइज और करीबन 16 किलो गाजर हम लोग यहाँ से खरीद लेते हैं। फिर शुरू होता है गाजरों को नहलाने धुलाने का प्रोसेस। घरवाली ने जाते ही ऊपर ऊपर की स्किन गाजर की उतार दी है, पीछे का मोटा मोटा डंठल भी काट दिया। ये डंठल जो आपके स्वाद को खराब कर सकते हैं, इनको काटना ना भूलें, थोड़ा सा ज्यादा ही काट दें। डंठलों को काटने के बाद ही तो असली समस्या खड़ी होती है इनको कसने की। 16 किलो गाजर कसे कौन, घरवाली ने हाथ खड़े कर दिए। मैं का टेंशन ना ले, हम किस लिए, रखो गाड़ी में, बाजार से कसवा के लाएंगे। निकल लेते हैं बाजार के लिए। जाते जाते एक दूध वाला भाई और दिख गया। मैं का पूछ लेते हैं क्या जाता है पूछने में। भैया के पास पहुंच गए। मैं का भैया बताओ दूध मिलेगा कि नहीं। बोला कितना लेना है। मैं का 20-22 लीटर। भैया 8 लीटर मिलेगा। ठीक है जी 8 लीटर दे दो। 8 लीटर रखते हैं गाड़ी में। पहुंच जाते हैं दूसरे भाई के पास जिसने इन गाजरों को कसना था। जाते ही भाई जी को रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जी कस दो। भाई जी भी खाली बैठे थे। बोला भैया कस देंगे। मैं का रेट बताओ। भाई जी ने रेट बताया 10 रुपया किलो। मैं कहा जी इतने की तो गाजरें ही आई हैं, इतनी आपने कसाई ले ली। बोला एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। मैं कहा जी हमने देना भी नहीं है, कर दो कार्रवाई शुरू। भाई जी ने तुरंत नीचे बाल्टी के ऊपर पॉलिथीन लगा दिया और गाजरों को कसना कर दिया शुरू। यकीन मानो यारो 10 ही मिनट में सारी गाजरों को कस डाला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। भैया जी पूछते हैं कितनी गाजरें थी। मैं कहा जी मंडी से तो 16 किलो लेके आए थे, बट लाने के बाद हमने इनका छिलका उतारा है, इनका डंठल काटा है, हो ना हो किलो 2 किलो तो जरूर कम हो गया होगा। बोला टेंशन ना लो, हम लोग चेक कर लेंगे, कांटा है मेरे पास, बल्ले बल्ले। मैं कहा जी निकालो फिर। इसके बाद क्या था, सारी गाजरों को डाल लेते हैं पॉलिथीन में, पहुंच जाते हैं कांटे के पास। कांटे पर रखते ही पता चलता है जी 12 किलो 500 ग्राम। मैं कहा यार 16 किलो लेके आया था, निकली है 12 500, इतना छिलका उतार दिया। चलो मैं कहा कोई नहीं, कुछ तो पैसा बचा ही है, ना तो 16 किलो का देना पड़ता यार, 12:30 में काम चल गया। आ जाते हैं सामान लेके घर, कढ़ाई उतार के लाते ऊपर रखी थी 3री मंजिल पे, बच्चे लोगों को पसीने आ गए। फिर शुरू होती है यह जद्दोजहद सिलेंडर लगाने की, भट्टी चालू करने की, कढ़ाई को मांजने की। ये सब प्रक्रियाएं बहुत जरूरी हैं, हाइजीन का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना सामान का स्वादिष्ट बनना। गाजर पाक को बनता देख के पूरे कुनबे में एक उत्साह की लहर थी, सभी आदमी भागे भागे काम कर रहे थे। चढ़ा देते हैं जी कढ़ाई गैस के ऊपर। हमारी माता जी ने कुछ दूध दूध वाले भैया से भी ले लिया था। 14 किलो दूध हमें मिल गया था भैंस का, 8 किलो दूध हमें मिल गया था थैलियों का, टोटल मिला के हमारे पास हो गया था 22 किलो दूध। अब ये गणित आप भी समझ लो, अच्छा रहेगा। 12 किलो गाजरे हो तो कम से कम 24 किलो दूध हो, बट हमारे पास थोड़ी दूध की कमी रही। मैं कहा चलो माताजी चला लेंगे काम। दूध को कढ़ाई में डाल के गैस को कर देते हैं तेज, फटाफट दूध उबलना शुरू हो गया। अब बारी थी गाजरों को डालने की। गाजर डालते हैं पहले हाथों से, पर गाजरें ज्यादा थी। मैं कहा यार पॉलिथीन को उल्टा कर दे, छोटा बच्चा था मेरे को डाउट भी था कहीं ये गिरा ना दे, पर बच्चे ने सावधानी से सारी गाजरें इनपुट कर दी हैं दूध के अंदर। ये प्रोग्राम हमारा बना करीबन 6 बजे। 6 बजे गैस के ऊपर दूध चढ़ गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ ना कुछ हम लोग मिलाते गए, उसकी क्वांटिटी भी बताऊंगा आपको। घर में जितनी भी मलाई बची हुई थी हमने सारी मलाई इसके अंदर डाल दी। फिर इसके अंदर डालते हैं 1 किलो देसी खांड। इसके बाद माता जी लेके आ जाती है घी। घी डाला इसके अंदर करीबन हमने 1 किलो के आसपास। सबसे मजे की बात ये थी कि गाजर पाक की खुशबू को सूंघ सूंघ के आस पड़ोस के बहुत से भाई इकट्ठे हो गए, हमें भी खिलाओ हमें भी खिलाओ। मैं कहा खरबूजा कटेगा बराबर बटेगा, बैठो बनते ही सबको खिलाया जाएगा। कढ़ाई के अंदर पलटे को चलाते चलाते बीत गए 4 घंटे। गाजर पाक हो गया तैयार, टेस्ट करने के लिए मेरे को मिलता है। खा के देखता हूँ स्वाद ही आ जाता है, बल्ले बल्ले क्या करेगा दुकान का गाजर पाक, इतना स्वादिष्ट था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना। आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा।